हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और खाना बनाने का टाइम हो चुका है। खाना बनाने के साथ साथ हमें दूसरी एक और रेसिपी बनानी है, मूली गाजर और मटर का और हरी मिर्च मिक्स करके अचार बनाया है मिक्स का। गोभी और गाजर हमने देखो सुखा लिया है काट कर, और मटर हमारे पास पहले ही है, और अब मैं काटूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च हम ये डालेंगे ताकि तीखापन आए। अब हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले काटती हूँ हरी मिर्च, और मटर निकली हुई है, और फिर दिखाते हैं हम कैसे कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चूल्हा हमने जला लिया है, इस पर रख दिया है दूध। इधर सब्जी की तैयारी हो चुकी है, सब्जी काट कर तैयार कर दी है। सब्जी में बनाएंगे आलू और बैंगन, उसके बाद बनाएंगे हम अचार। इतना हम अचार की तैयारी कर लेते हैं, तब तक ये काम चलता रहेगा साथ साथ। देखिए दूध हमारा पक चुका है, अब बनाएंगे हम सब्जी। जब तक हमारी सब्जी तैयार होगी ना बनके, पकेगी यानी, तब तक हम अचार का जो सामान है सारा सामग्री सारी तैयार कर लेंगे। चलिए पहले सब्जी छोड़ देते हैं। इधर को आ जा, इधर को दुआ लगने का जा। इधर हमने अपनी सब्जी छोड़ दी है। चलिए अब पीस कर लाते हैं अचार के लिए धनिया और सौंफ। ये है अचार के लिए धनिया और सौंफ, इसको हम पीस लेते हैं। ज्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा सा ही रखेंगे। चलिए बाकी जो बचेगा सब्जी में काम आएगा, क्योंकि इसका स्वाद ही अलग होता है सब्जी में डालने का। ये देखिए इस तरीके का रखेंगे, इसका स्वाद भी अलग ही आएगा, मसालों में पकेगा। ये है राई, राई का स्वाद बहुत अच्छा आता है, राई के बिना अचार अधूरा रहता है। और थोड़ी सी डालेंगे सरसों, पीली सरसों हमारे पास नहीं है तो इसीलिए काली सरसों का इस्तेमाल करेंगे, छोंक में यानी कि तड़का लगाने के लिए। अचार हम डालेंगे फ्राई करके, मतलब ऐसे मसाले डालकर, ज़्यादा टाइम तक रखने वाला नहीं डालेंगे, ये जल्दी वाली वाला डालेंगे। ये हमारा गरम मसाला, हींग, ये हो गया धनिया सौंफ, और ये रही हमारी मटर। तो चलिए चलते हैं अचार डालने के लिए। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब अचार बनाते हैं। ये रखते हैं।
गाजर और गोभी हमने सुखा रखी है, हरी मिर्च हमने देखिए एक मिर्च में दो हिस्से कर लिए, आधी आधी कर लिए। इधर मटर हमने ले लिया है अचार में डालने के लिए और बाकी मसाले हमने तैयार कर लिए। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब डालते हैं तेल। अचार की वजह से हमें तेल की क्वांटिटी को ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। देखिए तेल, पहले हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे तेल को। तेल हमारा पक चुका है, सबसे पहले डालते हैं राई, सरसों, थोड़ा सा मेथी डालते हैं। धनिया सौंफ जो हमने पीसा था नीचे ही होगी था। हाँ जी, इसमें ही आई थी क्या? हाँ जी, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन क्योंकि अचार गोभी का है, हाँ गोभी नुकसान देती है। मसाले लगभग हमारे पक चुके हैं, देखिए अच्छी तरीके से। अब इसमें डालेंगे नमक मिर्च हल्दी, नमक क्योंकि मैंने गोभी में भी डाला है तो हल्का ही रखेंगे। लाल मिर्च ये है कलर के लिए, थोड़ा सा जीरा, हल्दी डालेंगे 2 चम्मच क्योंकि अचार हमारा बहुत ज्यादा है। कोई क्या कहेगा इतनी सारी मिर्च डाल दी। अचार को देख कितना है, कढ़ाई भर जाएगी। सबसे पहले डालेंगे मिर्च, मटर, थोड़ा सा डालेंगे हींग, गरम मसाला, इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि ये जो है ना बिना सुखाए हुए है क्योंकि कच्ची है ये चीज़ें, ये हमने सुखा रखी है धूप में, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्हें फ्राई करेंगे ताकि जल्दी ख़राब ना हो। इधर मटर और हरी मिर्च अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है देखिए, और माँ की सलाह के साथ बनाया जा रहा है थोड़ा सा। और गेहूँ काटने में तो सब चीज बढ़िया लगे, दो चीज और होती लहसुन अदरक। कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है हमारा अचार, थोड़ा सा और पकाएंगे देखिए। लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया और आया है माँ को, इसमें लहसुन और अदरक और डल जाता तो स्वाद और बढ़ जाता, तो उसको हम दोबारा से फ्राई करके इसमें डालेंगे, दूसरी कढ़ाई में फ्राई करेंगे अदरक और लहसुन को तेल में थोड़ा सा, और फिर इसमें मिला देंगे, इतना ही पक जाएगा और लहसुन और अदरक तो पक ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या स्वाद आता है, देखने में तो अच्छा लग रहा और खाने वाले बताएंगे कि कैसा लग रहा। इसको हम पकाएंगे धीमी धीमी आंच में, ये बोलते हैं कि पका हुआ चाय जल्दी से खराब नहीं होता, तो चलिए देखते हैं कितने दिन चलता है। थोड़ा सा डालेंगे सिरका ताकि ये जल्दी खराब ना हो, थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि राई की वजह से ना खटास ज़्यादा आ जाता है। हमारा अचार बनकर तैयार है, अब खा के बताएंगे कि कैसा लगा है खाने वाले। अब ये तो मत बोलिएगा कि सब्जी जैसा बना दिया ऐसे ही बनाया, पहली बार बनाया मैंने, देखते हैं कैसा बनेगा, खाने वाले बताएंगे कैसा बना है। चलिए अब इसे उतार देंगे थोड़ा सा पका के, फिर सेकेंगे रोटियाँ। ये देखिए हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है, अब इसे नीचे उतारती हूँ, वो ठंडा होकर, ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसे एक डब्बे में स्टोर करके रख देंगे थोड़ा। चलिए देखते हैं कैसा बना है, नमक मिर्च सब कैसे है खाकर बताएंगे सब।
तो अचार तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे मतलब रखना है स्टोव लगाकर, यानी कि इसे अच्छी तरीके से रखना है। इसे रखेंगे हम इस पॉट में, ये जल्दी से खराब नहीं होगा प्लास्टिक के, उसमें तो खुशबू होने का डर रहता है, लेकिन इसमें अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा लंबे टाइम तक। ये काफ़ी पुराना है और पहले इसमें चार ही रखा करते थे, इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और सुखा भी लिया है, और इसमें रखते हैं हम अपना अचार। वैसे खाने वालों का रिएक्शन ऐसा रहा कि सभी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत टेस्टी बताया, और बाकी अब थोड़ा खाया करेंगे। ठंडा ये हो चुका है और अब हम इसमें लगा देते हैं अच्छी तरीके से और खाना स्टार्ट कर देंगे कल से ही, क्योंकि काफी ये गला हुआ है अच्छी तरीके से। इसको हम रख देते हैं यहाँ पर बच्चों की पहुंच से दूर।